डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कितने पेप्टाइड्स के कॉम्बिनेशन से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक प्रोटीन बन गया है, उसके लिए हमारे पांच पेप्टाइड्स होने चाहिए, 10, 15, 50, 100, 200 कितने होने चाहिए मिनिमम, और फिर उसका जो नोमेनक्लेचर है पेप्टाइड्स का वो कैसे किया जाता है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम बस बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले वाले लेक्चर्स में हमारा अमीनो एसिड कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आपको क्वेश्चंस भी बता चुका हूँ कि अगर आपको पूरी एक प्रकार से अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स को करना है तो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अटमोस्ट मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको करने ही करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सीरीज भी, वो एक वीडियो जो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अब जैसा कि एग्जाम्स की पॉसिबिलिटी है, एग्जाम स्टार्ट होंगे भाई, फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेगी, तो फिर से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, पेप्टाइड्स के बारे में, क्लियर है। बेसिकली पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके कम्बिनेशन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H और OH वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो एक नई लिंकेज बनती है CO और NH की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज, ठीक है। और एक प्रकार से उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अमाइनो एसिड के केस में मैंने आपको बता रखा भाई, एक तरफ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तरफ हमारा अमीनो ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन हमारी फिक्स होती है, तीन पार्ट फिक्स होते हैं, आर जो हमारा वेरिएबल ग्रुप होता है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एच इसको आर डैश मान लेता हूं मैं, NH2 और ये हो गया भाई हमारा COOH। मैंने क्या बताया था भाई, अमाइनो एसिड्स का एक अमाइनो एसिड के COOH में से OH और दूसरे के में से मान लिया एच, NH2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो एच और OH क्या निकल गया भाई हमारा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन गया भाई हमारा, NH2 सी के साथ क्या गया, एच आर, ये क्या हुआ सी डबल बॉन्ड, हो एच OH हमारा वाटर निकल गया, तो क्या बच गया, NH सी एच आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो आप देख रहे होगे सी और NH का ये जो बॉन्ड बन गया है, वैसे इसको क्या बोला जाता है भाई, पॉलीअमाइड्स बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके इस साइड भी बॉन्ड है, इस साइड भी बॉन्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी और अमाइड मतलब हमारा अमाइड की लिंकेज, लेकिन यहाँ पे पॉलीअमाइड नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप पे ये, तो जब दो या दो से दो सेम का मतलब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी मान लिया आर ग्रुप हो तो सेम अमीनो एसिड होगा, या यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है तो डिफरेंट ग्रुप होगा। अगर दो अमीनो एसिड कंबाइन करते चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो तो उसको बोल देते हैं डाइपेप्टाइड्स। क्या बोल देंगे हमें, डाइपेप्टाइड्स। ये आपको क्लासिफिकेशन समझा दिया मैंने। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है या पॉलीअमाइड का मतलब क्या है भाई, कि जब हमारे एन टाइम से रिपीटेशन यहाँ से हो जाए, पता नहीं ये लगा लो 10 यूनिट 20 50 100 इतने यूनिट जब रिपीट हो जाए तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, पॉलीअमाइड्स, या उसको बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोल देंगे भाई, पॉलीपेप्टाइड। तो उससे पहले तो हमें पेप्टाइड की डेफिनेशन क्या होगी भाई, पेप्टाइड की डेफिनेशन, When two or more amino acids combine, they are followed by elimination of a water molecule and a new bond is formed between two amino acids, CONH. The type of bond formed is called as a peptide. If we say polypeptide bond, then it means its repetition is a n times. So I think आपको peptide bond की जो definition है वो समझ में आ गई। अब इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आती है भाई, कि इस टर्मिनल की बात करें हम अमीनो एसिड के या इस टर्मिनल की बात करें, दोनों जो ग्रुप है वो फ्री है, वो जो ग्रुप है भाई, दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब क्या है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए हैं, मतलब जो नाइट्रोजन की साइड वाला एंड फ्री है उसको क्या बोल दिया जाता है भाई, एन टर्मिनल। क्या बोल दिया जाता है उसको,
एन टर्मिनल, और कार्बन की साइड वाला जो ग्रुप फ्री है उसको क्या बोल दिया जाता है अभी, सी टर्मिनल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई किसी भी पेप्टाइड या किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर। तो उसके बाद डेफिनेशन आती है प्रोटीन्स की, क्या आती है भाई प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं भाई, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ग्रेटर देन 100 अमाइनो एसिड्स आ जाए, क्या बता रहे मैंने, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाए हमारे ग्रेटर देन 100 अमाइनो एसिड्स, तब हम उसको क्या बोलते हैं भाई प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन्स कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, क्लियर है, जिसके अंदर अल्फा अमाइनो एसिड्स कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन वर्ड यूज क्यों किया भाई, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे केवल जुड़ने से नहीं है, कंडेंसेशन का मतलब है कि जब वो कंबाइन करेंगे तो साथ में इलिमिनेशन होगी बाय प्रोडक्ट की, क्या निकलेगा अभी साथ में हमारा, एलिमिनेशन ऑफ ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन वर्ड है ये अपने आप में ये चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि जहां पर भी मैं लगूंगा ना इसका मतलब कंडेंस मतलब जुड़े तो गए वो, ठीक है, लेकिन जुड़ना भी दो तरह का हो सकता है, एक बाय प्रोडक्ट निकला एक ना निकला। तो अगर कंडेंसेशन वर्ड का भी कहीं पे यूज हो रहा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है भाई वहां पे क्या निकलेगा, कंफर्म हमारा बाय प्रोडक्ट वहां पे निकलेगा, उसी को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद क्या आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स, क्या था इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। तो क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने आपको पहला बता दिया था भाई हमारा डाइपेप्टाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स, तो अमाइनो एसिड की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, उसके बेसिस पर हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं किसको, पेप्टाइड्स को। तो सबसे पहला पेप्टाइड लेता हूं भाई मैं डाइपेप्टाइड, क्या लेता हूं भाई डाई पेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइड्स क्या हो गया बेसिकली भाई, इफ टू सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइंड टुगेदर, क्या लिखेंगे भाई, इफ टू सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड, सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइंड टुगेदर, तब उसको क्या नाम दिया जाता है हमारा डाई पेप्टाइड्स। अब सेम और डिफरेंट का मतलब क्या भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मान लिया हम इसके अंदर ले लेते हैं ग्लाइसिन ले लेते हैं, ठीक है, ग्लाइसिन आपको पता है भाई हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, इसमें जो R की वैल्यू होती है क्या करते हैं हम एच, तो क्या हुआ एच एच एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होगा हमारा ग्लाइसिन, सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन एच टू, एन एच टू को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो एच और ओ एच क्या निकल जाएगा हमारा वाटर मोलिक्यूल, तो क्या बन गया भाई हमारा एन एच टू सी के साथ एच एच। अब इसको बार बार एच एच लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई सी एच टू, क्या लिख देते हैं हम इसको सी एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ इसका किसके साथ भाई NH के साथ, फिर CH2 और COOH। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड हमारा पेप्टाइड। अब दो सेम अमाइनो एसिड कंबाइन करें, अगर बोल रहे हम डिफरेंट अमाइनो एसिड, मान ले हम LN9 ले लेते हैं, LN9 में यहाँ पे H में क्या आ जाता है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो सेम के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया भाई, और डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ट्राई पेप्टाइड्स, क्या लेते हैं भाई ट्राई पेप्टाइड्स। ट्राई का मतलब क्या है, तीन, तो बेसिकली वो पेप्टाइड्स या वो प्रोटीन एक प्रकार से जिसके अंदर क्या हो तीन सेम या डिफरेंट अमाइनो एसिड
कंबाइन कर दें। अब सेम में क्या हो जाए, आपकी बार हमने दो अमाइनो एसिड लिए थे, आपकी बार तीन ले लेंगे। डिफरेंट में क्या करेंगे, हम तीनों अलग अलग ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा अभी हमारा ट्राई पेप्टाइड। तो क्या बोल सकते हैं, इफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आर थ्री, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, इफ थ्री सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइंड टूगेदर दे आर कॉल्ड एज ए ट्राई पेप्टाइड्स। क्लियर है? उसके बाद क्या ले लेते हैं अभी हम टेट्रा पेप्टाइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं लिख लेता हूं पॉलीपेप्टाइड्स। इसके ज्यादा के लिए ज्यादा काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर किसी के अंदर भी ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड आ जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं भाई, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स। तो क्या लिखेंगे, मोर देन 10 अमीनो एसिड्स कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ए पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर है सबको? इसके बाद आता हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स का नोमेनक्लेचर भी काफी आसान है, इजी है, और जिसको पेप्टाइड बनाना आता है वो इसके नोमेनक्लेचर को आसानी से कर ले। इसमें एक अहम रोल रहता है कि जो फ्री अमीनो ग्रुप है एक एंड के ऊपर, उसको हमने एन टर्मिनल नाम दिया था, जिसमें कार्बोक्सिलिक की साइड एंड फ्री है उसको हमने कार्बोक्सिल ग्रुप या सी टर्मिनल नाम दिया था। ठीक है, तो बाई कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड रेसिड्यू उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। क्या बोला भाई मैंने, जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज हमारी उसको हम कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और जो एक प्रकार से कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप रेसिड्यू है उसको हम किस साइड पे लिखेंगे भाई, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। उनको किस साइड पे लिखेंगे, हमें राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे। तो पहली कन्वेंशन क्या होगी, जो टर्मिनल्स हैं हमारे अमीनो एसिड रेसिड्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप रेसिड्यू उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, जब भी नाम लिखेंगे किसी भी पेप्टाइड्स का, तो जो एन टर्मिनस और टी सी टर्मिनस है उसमें सफिक्स इन जो है जितने अमीनो एसिड्स का, सी टर्मिनल को छोड़ के सफिक्स आई से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर सपोज करो भाई हमारे पास है ग्लाइसिन टर्मिनल में, तो इसका जो इन है इसको रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, वाई एल लगा देंगे। जैसे हम एक नेमिंग करके देखते हैं भाई, मान लिया हमने दोनों बार जो है ग्लाइसिन को ऐड किया है, क्या लिखा हमने, NH2 CH2 C double bond OOH प्लस NH2 CH2 C double bond OOH। तो कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, HOH वाटर निकलेगा, तो क्या बन गया भाई, NH2 CH2 C double bond O NH CH2 C double bond OOH। अब ये क्या होगा, एन टर्मिनल अमाइन एसिड रेसिड्यू है, इस साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका नाम क्या है भाई, पहले मैं पूरा नाम लिख लेता हूं एक बार, ग्लाइसिन है ये वाला नाम लिख लिया मैंने, ये सपोज करो मैंने यहां पे लिखा है प्लस में, इस साइड में जो ये रेसिड्यू है कार्बोक्सिल वाला इसमें भी तो क्या हमारा ग्लाइसिन है, ये मैंने राइट में लिख लिया। अगर आप देखोगे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो इन की जगह क्या लगाना है, हमने वाई एल लगाना है। इस क्या लगाना है, इन की जगह वाई एल लगाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ग्लाइसाइन, ये सेम लिख देना हमने ग्लाइसिन, क्या होगा भाई ग्लाइसाइन ग्लाइसिन, तो सिंबल क्या होगा दोनों तरफ ग्लाई ग्लाई, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है भाई 20 के 20 समय में एसिड हमने याद किए थे, तो जो ग्लाइसिन है उसका सिंबल क्या होता है, GLY। अब सपोज करो भाई यहाँ पे जो दूसरा अमाइनो एसिड हमने ग्लाइसिन की बजाय किसको ले लिया, एलेनाइन को ले लिया, किसको ले लिया, एलेनाइन को ले लिया।
तो जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, उसका ईन हटा करके क्या लेना हमने, वाईएल लेना है। तो ये तो क्या हो गया, ग्लाइसाइल। राइट वाला जो हमारा लेना है उसको एज इट इज लिख देना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लाइसाइल एलेनाइन। तो इसका सिंबल क्या होगा, एक प्रकार से ये ग्लाई हो गया और एलेनाइन का एएलए हो गया इस प्रकार से। तो क्या होगा भाई हमारा, ग्लाई एएलए, ठीक है। इसका एक कैपिटल लिखेंगे भाई सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो हमारे अलग अलग अमाइनो एसिड उनको कंबाइन करके हम उनकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं, उनका नॉमिनेचर हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ ए पेप्टाइड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल एग्जाम के अंदर आता है हमारा, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स के अंदर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब या तो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू।